हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। जानेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेनी है, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, कट ऑफ कितनी जाती है और भी ढेर सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे देखकर रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी रेगुलर आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर एक कॉलेज की रिव्यू आते रहेंगे इसी चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये मैं बता दूं गाइस, तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1919 में, मींस की बहुत ही पुरानी कॉलेज है ये, ठीक है। और ये अप्रूव्ड है AICTE से और ये एफिलिएटेड है मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अब हम लोग नीचे कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी ब्लू ब्लू कलर की, ये आपकी कॉलेज की कैंपस आपकी है ये, ठीक है। ये आपकी कैंपस है जो बहुत ही अच्छी सी बनी हुई है कैंपस, ठीक है। ब्लू ब्लू कलर की पेंट की गई है इस कॉलेज में। और यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी ब्रांचेस के बारे में और यहाँ पे आपकी कितनी सीट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा ब्रांच है वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 40 सीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 60 सीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर लेदर टेक्नोलॉजी, जिसमें 30 सीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी 3 ब्रांचेस मिल जाती हैं इस कॉलेज में आपको, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और भी इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कॉमन रूम, ठीक है, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी 31,300 है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे लाइब्रेरी में आप देख सकते हो तो, ठीक है। फिर लेबोरेटरी, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये हमारी थी कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज की। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और, नीचे चलते हैं और बात करते हैं इनके बारे में कुछ और, जैसे कि इनकी फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट की, ठीक है। तो जैसे कि फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जो इनकी लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच है, ठीक है, तो इसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 9,450 लगेंगी, ठीक है। ये इसलिए लग रही है क्योंकि एडमिशन के समय बहुत सारी चीज़ें की फ़ी इसमें लगती हैं, ठीक है, जैसे एडमिशन चार्ज जो भी आपकी लगती हैं वो सारी चीज़ें को ऐड करके 9,450 फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ लगेंगी, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर को देख सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में एक भी रुपया लेदर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को पे नहीं करनी है, ठीक है। और फिर आप थर्ड सेमेस्टर से लेके पूरी 8th सेमेस्टर तक आपकी 3,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग IT ब्रांच में अगर आएँ तो IT ब्रांच आपकी इस कॉलेज की न्यू ब्रांच है, इसलिए इनकी फ़ी थोड़ी सी हाई है। तीनों ब्रांच में अगर देखी जाए तो इसकी फ़ी थोड़ी सी हाई है, ठीक है। 17,500 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो तो 12,000 रुपीज़ हर सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से लेके और 8th सेमेस्टर तक आपको पे करना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 10,050 रुपीज़ लगेंगी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में से। उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर आपकी, सेकंड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक आपको 6,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी फीस स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 2019 और 2018 दो ईयर की आपकी प्लेसमेंट आपको मैं बताऊंगा। पहला है तो 2019 में अगर देखा जाए तो 74% प्लेस्ड हुए थे बच्चे, ठीक है, और 78% प्लेस्ड हुए थे 2018 में। मैक्सिमम CTC की अगर बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम CTC इनकी 4.9 LPA गया था, ठीक है, और 2018 की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम CTC 9 LPA गया था, ठीक है। एवरेज CTC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज CTC 3 लाख गया था इनका एवरेज CTC 2019 में। 2018 की अगर बात की जाए तो 2.5 LPA गया था इनका 2018 में, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कुछ प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ के बारे में और फिर बात करेंगे और भी कुछ इस कॉलेज के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ की। तो यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा, ये 2019 की राउंड 3 की कट ऑफ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं OP मीन्स की आपकी हो गई जनरल कैटेगरी, जिसमें सभी आते हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे, ठीक है, इसमें आप आते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 17,100 इनकी ओपनिंग रैंक थी। क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 4,600 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। फिर अगर हम लोग SC ST की अगर बात की जाए तो 14,000 में इनकी क्लोजिंग रैंक थी इनकी, ठीक है, 14,000 इनकी क्लोजिंग रैंक थी SC में। ST की अगर बात की जाए तो ओपन रैंक इनकी 30,000 थी और क्लोजिंग रैंक इनकी 33,800 थी। OBCA की अगर बात की जाए तो 7,000 इनकी ओपन रैंक थी और क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो 9,600 इनकी क्लोजिंग रैंक थी OBCA में। OBCB की अगर बात की जाए तो 5,300 इनकी ओपन रैंक थी, क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 5,600 इनकी क्लोजिंग रैंक है। तो गाइस जो आपको दिख रहा है ये इसी टाइप के आपको भी कट ऑफ लेके आने पड़ेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है। TFW की अगर बात की जाए तो 3,000 में इनकी ओपन रैंक थी और क्लोजिंग रैंक 3,900 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4,700 इनकी ओपन रैंक थी, क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 7,000
200 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी में आपकी 14,800 इनकी ओपन रैंक थी। क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 17,800 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। एसटी कोटा में अगर जाया जाए तो यहाँ पे एसटी कोटा में 32,000 इनकी ओपन रैंक थी और 42,000 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। और यहाँ पर TFW की अगर बात की जाए तो TFW में 500 इनकी ओपन रैंक थी और क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 6,200 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। अब हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो लेदर टेक्नोलॉजी में आपकी जनरल कैटेगरी की 9,400 इनकी ओपन रैंक थी और क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो 16,400 इनकी क्लोजिंग रैंक थी। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपकी इसी टाइप को आपको भी रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि अगर इससे 5-10 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेंगी, ठीक है, आपको मिल जाएंगी इसमें एडमिशन। तो यहाँ पर देख सकते हो तो 16,600 इनकी ओपन रैंक थी एससी कैटेगरी में और क्लोजिंग रैंक की अगर बात की जाए तो 24,800 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। अब हम लोग एसटी की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी में 67,000 इनकी ओपन रैंक थी और 67,000 मतलब सेम है इनकी क्लोजिंग रैंक भी, ठीक है। और टीएफडब्ल्यू की अगर बात की जाए तो टीएफडब्ल्यू की कैटेगरी के स्टूडेंट को 5,900 इनकी ओपन रैंक थी और क्लोजिंग रैंक इनकी 6,959 इनकी क्लोजिंग रैंक थी। सो गाइस, ये थी आपकी कट ऑफ 2019 की राउंड 3 की कट ऑफ में बताया, ठीक है। तो ओवरऑल ये था पूरा हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ भी डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और ओवरऑल ये था हमारा पूरा कॉलेज रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक।